नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पर्दे की आनंदी यानी प्रत्युषा बैनर्जी की मौत के 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। कुछ ही देर में प्रत्युषा का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी मौत पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न तो पुलिस जान पाई है और न ही उनका सच सामने आ पाया है। प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल सफाई दे रहे हैं, प्रत्युषा के घर वाले संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत गंभीर सवाल यह है कि सेलिब्रिटीज आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। छोटे पर्दे की प्यारी आनंदी अब नहीं रही, उसके सदमे में अपनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। माँ बाप बेटी को खोकर होश गंवा बैठे हैं। आरोपों में घिरा बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह भी गम में है। ये कोई नहीं जानता था कि लाइट कैमरा एक्शन वाली चकाचौंध भरी जिंदगी में सीन ऐसा भी आएगा जो कई सुलगते सवाल छोड़ जाएगा। मौत के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन छोटे पर्दे की आनंदी की मौत की पहेली उसके लिव इन पार्टनर राहुल राज सिंह तक जाकर ठहर जा रही है। राहुल राज सिंह, वो नाम जो प्रत्युषा का हमसफर बनने वाला था, वो प्रत्युषा का लिव इन पार्टनर था और उसका हमराज था। शुक्रवार की शाम सबसे पहले राहुल ने ही प्रत्युषा को पंखे से लटकते देखा था। उसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को कोकिलाबेन अस्पताल भी पहुंचाया। अस्पताल से मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने राहुल से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई, किसी भी झगड़े से इनकार किया, लेकिन खबर है कि पुलिस को उसकी बातों में यकीन नहीं है। यही वजह है कि राहुल अब हिरासत में है। पंखे से लटका मिला, पुलिस पहली नजर में मान रही है कि उसने खुदकुशी की होगी, लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई। खबर है कि प्रत्युषा और राहुल में शुक्रवार को बिल्डिंग के मॉल में ही झगड़ा हुआ था। दोनों में रियलिटी शो पावर कपल के पैसे को लेकर विवाद था। खबरों के मुताबिक प्रत्युषा ने राहुल को बिना बताए उसके अकाउंट से पैसे भी निकाले थे। काफी होती थी, लेकिन वो दूसरी गर्लफ्रेंड जब आती थी, जब इनका झगड़ा होता था, इन दोनों का हम लोग ने देखा नहीं अभी तक ऐसे कि वो आई थी। एक बार उनका झगड़ा होता है, हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट भी किए थे, उन लोग ने तो पुलिस उनको लेके भी गई। हालांकि राहुल राज ने पुलिस को बयान दिया है कि 2 महीने पहले हम इस फ्लैट में आए, मैं प्रत्युषा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, हम लोग बहुत खुश थे और जल्द शादी की प्लानिंग कर रहे थे। संदिग्ध मौत के बाद राहुल की सफाई और सस्पेंस के बीच प्रत्युषा के फ्लैट से मुंबई पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और मोबाइल के उन मैसेज की जांच में जुटी है जो राहुल और उसके बीच शेयर हुए। वॉचमैन, रसोईया, पड़ोसियों का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। प्रत्युषा के माँ पिता के बयान के बाद पुलिस खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कर सकती है। विद्या, अनुपमा और शिल्पा के साथ मुनीष पांडे, मुंबई आज तक। एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर प्रत्युषा आनंदी से जिसने घर घर में अपनी पहचान बनाई, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। आखिर ऐसी वजह क्या है इसके पीछे, क्यों चमक दमक में रहने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। राहुल महाजन है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका, मुंबई से हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर साइमा खान है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर खान। इसके अलावा हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन राहुल सबसे पहले आपसे। राहुल, ऐसा क्यों बहुत कम उम्र प्रत्युषा की अच्छी खासी उसने सफलता हासिल की, पॉपुलर रही, घर घर में जानी पहचानी जाती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी, आत्महत्या के पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, फिलहाल तो ये क्लियर हो रहा है पोस्टमार्टम से कि डेथ बाय सफोकेशन है, तो जो लोग मर्डर की कहानी बनाते शायद वो नहीं है। मगर सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी रिलेशनशिप, जिसमें हाईज होती है वैसे लोज भी होते हैं, क्योंकि एक सूक्ष्म दर्शक से आप देखते हैं, हर चीज़ देखी जाती है, तो उनकी अच्छी भी दिखाई जाती है, अच्छी बातें और बुरी बातें भी दिखाई जाती है। जब ऊंचाइयों पे होते तो दिखाई देते हैं, जब गिर जाते तब लोग हंसते भी है, तो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन इतने सीवियर होते हैं। और जहाँ तक ये केस की बात है, यहाँ अगर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल लाइफ होती, पैसे की तंगी से कोई आत्महत्या सिवाय किसान के नहीं करता, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ नहीं चल रही थी और साथ में करियर भी नहीं चल रहा था। और ये जो तीसरी लड़की का एंगल आ रहा है यहाँ, जो एक्स गर्लफ्रेंड का, वो भी कुछ एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ। डॉक्टर साहिमा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर राहुल ने कही है
हाइज एंड लोज, क्या हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या हमारे सेलिब्रिटीज़ इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं? आपको प्रत्युषा की अगर पूरी ज़िंदगी, बहुत कम उम्र 24 साल की लड़की थी, इस ज़िंदगी को देखते हुए आपको क्या लगता है कैसे, क्या उसकी मनस्थिति रही होगी? देखिए, जब हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी हाइज एंड लोज को या लोज को हैंडल नहीं कर पाते, ये कहना गलत होगा। ये एक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो लोग लोस को एक ट्रॉमा की तरह देखते हैं, उनकी सेलिब्रिटीज़ में जितनी भी अभी रिसर्चेस देखी गई हैं कि वाई सुसाइड हैज़ हैपेंड विद दी सेलिब्रिटीज़, इट्स बीन सीन दैट के जो लोग ट्रॉमा की तरह देखते हैं उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा पाए गए हैं एंड दे वर गोइंग थ्रू डिप्रेसिव इलनेस ऑल्सो। सो यहाँ पे इनके केस में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें प्रत्युषा के केस में ये बताइए, एक आम इंसान की तरह अगर हम समझना चाहें, हमें तो घर घर में पॉपुलर है, पहचानी जाती है, कई सारे सीरियल्स आ रहे थे, रियलिटी शोज में काम कर रही थी, हालांकि राहुल ने कहा कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा, रहा होगा, तो क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी पर्सनल लाइफ इतना ज़्यादा डॉक्टर सैमा हावी हो जाती है आप पर? कि कभी कभी इंसान के ऊपर हावी हो सकता है, और अगर आपके अंदर वो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं हो, आपको हैंडल करना नहीं आए, आप उसे डील नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि प्रत्युषा शायद हैंडल नहीं कर पा रही थी जी। वो अपने करियर में भी अगर आप देखें बहुत पीक पे गई हैं, और पीक के बाद there was also a downfall also. So sometimes constant pressure of worry is also there. Pressure, worry of future. Constantly you're going through that pressure. इनके केस में एक और चीज़ देखी गई है कि a disturbed relationship. Again I'm saying that इनके जिंदगी में जो भी पहलू हैं, अगर हम इसको evaluate करें, देखा गया है कि ये ट्रॉमा की तरह इन्होंने परसीव करा है, जो भी जितने भी पहलू रहे हैं इनकी लाइफ में। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बिंदु यहाँ पर उठाया है, लेकिन अब हम बात आगे राहुल इस बारे में करेंगे कि प्रेशर हम हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, और आपसे भी राहुल हम थोड़ा सा, क्योंकि हम एक संदेश भी हैं अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा ट्रॉमा किसने झेला होगा, आपसे ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स राहुल किसने देखे होंगे, लेकिन आज आप अगर यहाँ खड़े हैं, मजबूती से अपने आप को संभाल कर आपने रखा है, आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में, तो हमें लगता है कि आप प्रेरणा भी दे सकते हैं। हम लौटते हैं कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहिमा से और बात करें। फिल्म ये जो टीवी इंडस्ट्री है, वहाँ से कई सारी प्रतिक्रियाएँ प्रत्युषा की आत्महत्या पर मिल रही हैं। मेरी दोस्त चली गई, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी, मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है, मुझे लगता है ये मर्डर है। देखो, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, राहुल राज सिंह, मैं बोल नहीं सकता कि उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है। बस दुल्हन की ड्रेस के लिए उसने डिजाइनर को कहा था, तो हर चीज में जो ये हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न चिन्ह उठा रही है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रत्युषा जैसी स्ट्रांग बच्ची, आप ये अंत तक, आप इतने अंत तक आप इंसान कैसे पहुंच सकता है कि अपने आप को वो मार सकता है? आई स्टिल कांट बिलीव दिस न्यूज, आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड, एंड दिस शुडंट हैव हैपेंड। वो खुदकुशी नहीं कर सकती है, मुझे नहीं लगता है, उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड रही हूँ, और वो बहुत स्ट्रांग लड़की रही है, बहुत मैच्योर्ड है, बहुत स्ट्रांग लड़की थी, वो उल्टा सबको समझाती थी, ये सब चीजों में वो बिलीव नहीं करती थी। शी कैन नॉट किल हरसेल्फ, आई कैन नॉट बिलीव दिस एज अ फ्रेंड। मुझे सिर्फ वेट करना है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए, तब तक मैं तब तक नहीं मानूंगी कि उसने खुद। प्रत्युषा बैनर्जी की आत्महत्या कई सारे सवाल अपने पीछे छोड़ कर गई है, लेकिन प्रत्युषा के दोस्त इसे ये भी कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दबाजी में इसे आत्महत्या मत कहिए। हमारे साथ डॉक्टर साहिमा खान जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ राहुल महाजन हैं, लेकिन इस वक्त टीवी कलाकार भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम सबसे पहले दिगांगना, किस तरह की थी प्रत्युषा, कैसा उसका बिहेवियर था, कैसा आपका रिश्ता था, क्या वो इतनी कमजोर थी, या दिगांगना ये बताइए कि प्रत्युषा को कोई बात इतनी ज्यादा तंग कर सकती थी कि वो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर हो जाए? जी, जितना मैं प्रत्युषा को इतने सालों में जानती हूँ और जितना मैंने प्रत्युषा को समझाया, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो इतनी कमज़ोर थी कि वो आत्महत्या कर लेती। मेरे लिए इस बात पर विश्वास कर पाना कि प्रत्युषा ने आत्महत्या की है,
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और शायद इसका बहुत बड़ा कारण था कि मीडिया में और हर जगह हर कोई आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहता है, तो कई बार वो सिर्फ उन मुद्दों को छोड़कर हर चीज़ के बारे में बात करती थी, तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता करना या जानना वो अपने तक रखती थी। मैं हाल ही में 10 दिन पहले भी उससे मिली थी। प्रत्युषा को देख कर मुझे नहीं लगता है कोई भी कह सकता था कि वो इस तरीके का कोई कदम कभी भी उठा सकती है। कितना प्रेशर रहता है एक छोटे शहर से आई हुई लड़की चमक दमक में अपना करियर तलाशती है, वहाँ पर मेहनत करती है, क्या आपके शेड्यूल्स होते हैं, किस तरह से आप लोग काम करते हैं, कैसे इस नए माहौल में आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं और ये कितना मुश्किल होता है? मुझे लगता है जहाँ तक बात मीडिया और प्रेशर की है, मुझे लगता है हर काम में प्रेशर होता है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं ना कहीं जाकर अगर आप किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो फिर उस मुकाम में बने रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हर तरीके के तनाव होते हैं, काम के सिलसिले में होते हैं, कभी आपकी निजी ज़िंदगी के सिलसिले में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना ही हर चीज़ का सोल्यूशन माने। और मुझे नहीं लगता है कि प्रत्युषा के लिए, वो काफ़ी समय से काम कर रही हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। हर बार जब प्रत्युषा बालिका भी कर रही थी तब वो अकेले मुंबई में रहती थी, सो हमेशा प्रत्युषा ने हर चीज़ खुद डील की है। राहुल जल्दी से क्या बता सकते हैं? हम कुछ देर के लिए रुकेंगे राहुल, उसके बाद बहुत विस्तार से आप सभी से, डॉक्टर खान साइमा भी हमारे साथ हैं, सभी से बात करेंगे। लेकिन राहुल आपने कैसे ये प्रेशर हैंडल किया? देखिए डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन कभी फाइनेंशियल रीजन से नहीं होता है, लॉस से होता है। या तो कोई आदमी अपनी ज़िंदगी चले जाए, प्यार मोहब्बत की हो या पर्सनल लाइफ हो या किसी का ध्यान, तो मैंने खुद डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है, एक बार नहीं दो बार किया है गत वर्षों में, उसके मैंने इलाज करवाया है। लोग घबराते सोचते कि डिप्रेशन मतलब कोई पागलपन की बीमारी है, पहले खुल के बाहर आइए। डिप्रेस आदमी हमेशा आपको स्माइलिंग ही दिखाई देगा, कोई आपको उसके, जब तक उसको पता होगा कि दोस्तों को पता होगा तो तुरंत उसका इलाज कराइए। डिप्रेशन को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बहुत सीरियस बीमारी होती है, मतलब उसका इलाज हो सकता है मगर। बिल्कुल राहुल और आपसे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साइमा यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो राहुल ने यहाँ पर उठाया है, और हम आपसे यही जानेंगे आपसे कुछ देर बाद कि आखिर हम उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं और उसमें दोस्तों की परिवार की कितनी बड़ी भूमिका होती है। बस होते हैं तुरंत हाजिर, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। कामयाब रही, सफलता को देखा, समझा, उसे एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कर ली आत्महत्या, ऐसा क्यों? राहुल महाजन मुंबई से हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले प्रत्युषा अपनी शादी की तैयारियां कर रही थीं और उन्होंने अपने फैशन डिजाइनर दोस्त रोहित वर्मा को अपनी शादी का लहंगा तैयार करने के लिए भी कहा था। यहां तक कि एक दिन पहले ही राहुल वर्मा से प्रत्युषा की बातचीत भी हुई थी। हमारी संवाददाता पूजा त्रिवेदी ने फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा से इस संबंध में बातचीत की है। क्या प्रत्युषा दुल्हन बनने वाली थी? क्या है प्रत्युषा की शादी का पूरा सच? ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेमस डिजाइनर रोहित वर्मा। वेलकम रोहित, क्या जानकारी कुछ देना चाहेंगे उनकी शादी के बारे में? आप उनका लहंगा डिजाइन करने वाले? शादी के बारे में तो पता नहीं, बस हाँ मेरी, मैं लंदन में था, मेरी 22 तारीख को उनसे बात हुई थी, वो मेरे को होली पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी। उन्हें हमारा व्हाट्सएप पे बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो उसने कहा था मेरे को अपना ब्राइडल लहंगा बनवाना है रोहित, तो तुम कब आ रहे हो? तो मैंने कहा मैं 27, 28 या 29 को आ जाऊँगा। तो उसने कहा था कि मैं तुमसे 1 या 2 तारीख को मिलूँगी। ओके, आके मैंने लैंड होते मैं उनको फ़ोन किया था, वो मेरे घर आने वाली थी और कल मेरे को यह हादसा पता चला। आई वाज सपोज्ड टू मीट हर यस्टरडे, तो मैं अभी भी बहुत शॉक में हूँ कि उन्होंने इतना ड्रास्टिक कदम कैसे उठा लिया। तो कुछ आपको जानकारी, कुछ डेट फिक्स कुछ भी नहीं? जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, उन्हें कहा मिल के बात करता हूँ। बहुत अच्छी दोस्त थी आपकी, क्या आपको लगता है सुसाइड की होगी उन्होंने, या क्या आपको क्या लगता है वो कर सकती हैं? देखिए वो बहुत लेवल हेडेड, बहुत स्ट्रांग लड़की थी, सो सुसाइड का तो मेरे को नहीं पता, पर उसने कुछ बहुत ज़्यादा वो इमोशन से गुजर गई तभी उसने ये वाला कदम उठाया। तो कुछ आपको जानकारी है कि वो ट्रॉमा मेंटल डिप्रेशन थी या? जी मेरी कोई मेरे जब 22 तारीख को मेरी बात हुई थी वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, बट जब मेरी बात लौट के वापस की मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात किया, बट आई हैव गॉट नो आइडिया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया।
और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कलाकार अनूप सोनी। अनूप सोनी बालिका वधु में आनंदी के ससुर का किरदार निभा रहे हैं। अनूप जी, काफी काम आपने प्रत्युषा के साथ किया, क्या कभी आपको लगा कि ये लड़की इतनी कमजोर पड़ जाएगी किसी भी वजह से अनूप जी, कि वो आत्महत्या कर लेगी? देखिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप कभी किसी की पर्सनालिटी को देखकर ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये जिंदगी में ऐसा कदम उठा सकता है या नहीं उठा सकता, बिकॉज आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब शायद हर आदमी अपनी अपनी जान के लिए हमेशा एक परवाह करता है, अपनी जान की चिंता सबको होती है, तो अपने आप को खत्म करने का टू किल योर सेल्फ टू एंड योर लाइफ, वो एक कदम उठाना एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मोमेंट होता है। ठीक है, ठीक है अनूप जी। अनूप जी, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। प्रत्युषा जब सेट्स पर हुआ करती थी, आपसे कैसा रिश्ता था? दूसरे आपके साथी कलाकारों से किस तरह का उनका रिश्ता हुआ करता था? कैसे बिहेव करती थी? क्योंकि मेरे ख्याल से बालिका वधु उसका एक पहला शो था। इट वाज व्हेन जब बालिका वधु में प्रत्युषा आई थी, तो ऑलरेडी बालिका वधु अपने आप में एक बहुत बड़ा शो था, बहुत पॉपुलर शो था, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज अ पॉपुलर शो। तो किसी भी लड़की का आना, क्योंकि उससे पहले आप कहते हैं कि एक रेडी प्लेटफॉर्म सक्सेस का उसे मिला था, जो उसने काफी अच्छे से निभाया। लोगों ने फिर उसके काम को सराहा। शुरू में ऐसा लग रहा था कि नहीं, लोगों को आप लोगों के साथ किस तरह से रहा करती थी? आप लंच करते थे, चाय पीते थे साथ में, बातचीत करते थे? जितने साल हमने साथ काम किया बालिका में, जब तक आई थिंक कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम लोग अगर साथ शूट कर रहे हैं, चाहे वो स्मिता बंसल हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, प्रत्युषा हो, हम ऐसा कभी होता ही नहीं था कि लंच साथ ना करें। सो देयर इज नॉट अ सिंगल डे जब हम सब लोग मौजूद हैं और लंच साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपका। अनूप सोनी जिन्होंने बालिका वधु में प्रत्युषा, जो बालिका वधु बनी थी, उनके ससुर का किरदार निभाया था। डॉक्टर साहिबा, देखिए अनूप जी ये कह रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते किसी से मिलकर, तो वो ऐसी क्या चीज होती है जो अंदर अंदर इतना पक जाती है कि एक ज्वालामुखी की तरह फटकर आपको इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है? देखिए, डिप्रेशन, जब हम एक मानसिक रोग के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत स्लोली और बहुत ग्रेजुअली माइल्ड से मॉडरेट लेवल पर पहुंचती है। लेकिन क्या 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 आप और हम, मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है, हमारी सिस्टर है, हमारा भाई है, अगर वो डिप्रेशन में है, तो क्या हम पता नहीं लगा सकते उसके सिम्टम्स से? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके कुछ प्राइम सिम्टम्स होते हैं, उदासी रहना, अकेले में रहना, कभी कभी इम्पल्सिव बिहेवियर भी दिखता है, रेकलेस बिहेवियर, जैसे ड्रिंकिंग, फास्ट ड्राइविंग, या इम्पल्सिव बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ड्रग टेकिंग, ये भी देखा जाता है। और होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, अगर उनकी सोचने की एबिलिटी में फ़र्क आ रहा है, अगर वो हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को सोचने और उसे इंटरप्रेट नेगेटिवली कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट देना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से राहुल ने अभी कहा था कि ये प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर प्रोफेशनली आप बहुत वेल सेटल्ड हैं, वेल ऑफ हैं, हर तरह से सेटिस्फाइड हैं, तो क्या आपकी लाइफ की छोटी सी पर्सनल प्रॉब्लम भी आपको डिप्रेशन में ले जाती है और ये कदम उठाने पर मजबूर कर देती है? देखिए, मानसिक रोग ऐसा ही है जैसे कोई और रोग, जैसे हार्ट डिजीज़, जैसे किडनी की डिज़ीज़, या कोई और डिज़ीज़ आप ले लीजिए, उसी तरीके से मानसिक रोग भी है। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसको हमें बीमारी की तरह देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, इसे वीकनेस की तरह मत देखिए, इसे सिम्टम की तरह देखिए। कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड्स, इनके फैमिली मेंबर्स ने उन सिम्टम्स को कहीं ना कहीं इतनी गौर से नहीं देखा। नेग्लिजेंस है ये। डॉक्टर साहब, काहे का नेग्लिजेंस, पता ही नहीं चलता। जिससे भी हम बात कर रहे हैं आपके सामने, वो ये कहते हैं कि वो बहुत खुश थी, अच्छी तरह से बिहेव करती थी, पता नहीं चलता, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। खैर, डॉक्टर साहब, जिन लोगों के बारे में जिनका दिखाया गया है, जरूरी नहीं है कि उनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा क्लोज था। हमने फैमिली से बात की, पेरेंट्स से, मम्मी पापा, ये हमारे लिए, इनफैक्ट ये हमारे लिए और ये एक चिंता का विषय है कि हम डिप्रेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानते नहीं। दिगंगना, क्या ऐसा होता है कि एक छोटे शहर की लड़की आकर मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, जिसे चकाचौंध धूम धड़ाका जहां बहुत ज्यादा होता है फिल्मी दुनिया, क्या वहां आकर उसे मुश्किल होता है और कुछ ऐसी मजबूरियां उसे उसकी होती हैं कि वो अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश में
खुल नहीं पाती, अपनों से भी अपने दिल की बात नहीं कह पाती, घुटती रहती है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ये होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चर डिफरेंस है छोटे शहरों में। बात सिर्फ छोटे शहरों की नहीं है, जब आप अपने घर में हैं आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, हर कोई आपको प्यार करता है, हर कोई जानना चाहता है कि आप आपका मेंटल स्टेट, आपकी मनस्थिति क्या है, आपका ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब आप उठ के एक दूसरे शहर में चले जाते हैं जहाँ अनजान लोग हैं और वहाँ पर आप वो हासिल करना चाहते हैं प्रोफेशनली जिस वजह से आप हैं, तो मेंटल स्ट्रेस लेवल, परेशानियां, सब कुछ बहुत बढ़ जाती हैं। कई बार आपकी बातचीत आपके अपनों से उतनी नहीं हो पाती है कि आप जिन पे आप ट्रस्ट कर सके, खुल के अपनी बात कह सके, जिसके कारण मुझे लगता है परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और आप सिर्फ अपने में सिमटते चले जाते हैं। राहुल, अपने आप में सिमटना, क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर छोटी जगह से आए लड़के लड़कियों पर होता है और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश में वो अंदर ही अंदर ये सब सहते हैं, घुटते हैं और अपने अपनों से भी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन सबसे छुपा जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है? राहुल, कितना सहमत हैं आप इस बात से? आप मुझसे सवाल पूछे, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। जी जी, अगर आपने अगर सही कहा है तो छोटे शहरों से जो लोग आते हैं बड़ी शहर, इस बारे में पूछे आप, क्योंकि बिल्कुल राहुल, बिल्कुल बिल्कुल जी, कितना मुश्किल होता है उनके लिए, क्या क्या उन पर ये प्रेशर होता है राहुल कि अपने लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने मुंबई अपने घर वालों को ये बताना है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कर रही हूँ। माया भी होती है हर चीज की, लोग सपने लेके आते हैं और एक फेक चीजें बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने एक पेस्ट्री फिल्म में देखी थी मधुर भंडारकर की, हर चीज बड़ी फेक होती है, हाईज एंड लोज में आपको पता है बड़े होते हैं। पर जहां तक आत्महत्या की बात है, सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, रॉबिन विलियम्स एक हास्य कलाकार थे हॉलीवुड के, वो दुनिया को हंसाते थे, किसी ने सोचा नहीं कि वो आत्महत्या करेंगे। तो डिप्रेशन किसी का एक किरदार का रूप और पर्सनल लाइफ हमें पता नहीं होती है, आप उनको शूटिंग पे मिलो अलग बात है, पर किसी निजी कपल की लाइफ या उनके मित्रों के संबंध, माँ बाप के संबंध, ये बहुत अलग है और उनकी टीवी की रियल लाइफ से, रियल लाइफ बहुत अलग होती है। और आदमी एक बार दो रोटी कम खाए चलेगा, मगर दो शब्द के प्यार कम मिले या थोड़ा अपना जो भावनात्मक सपोर्ट कम हो, तो तब मेरे ख्याल से आदमी वो डिप्रेशन में जाता है और आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होता है, अगर अच्छे दोस्त या अच्छा परिवार उनको सपोर्ट करने वाला ना हो तो। राहुल, बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, दो रोटी कम मिल जाए लेकिन प्यार के दो शब्द जरूर मिलने चाहिए। और डॉक्टर सारमा, हम आपसे यही पूछेंगे आपसे कुछ देर में कि क्या यही वजह है कि हम अपनों से दूर हो रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं घर वालों को, और घर वाले भी अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके दिल को पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। लौटते हैं बस कुछ ही पलों में, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ आज तक। प्रत्युषा ने आत्महत्या की, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ऐसा क्या हुआ और क्या सिर्फ ये प्रत्युषा है या प्रत्युषा जैसी हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां हैं इसी तरह की मनस्थिति से वो गुजर रही हैं? क्या जिम्मेदारी है माता पिता की, क्या जिम्मेदारी है दोस्तों की, क्या करें हम डॉक्टर सायमा हमारे अपनों के लिए ताकि कोई ऐसा कदम ना उठाए, कैसे हमें पता कैसे चले डॉक्टर सायमा? थोड़ा सा अपने आप को हम अवेयर करें मानसिक रोग के बारे में। प्रत्युषा के केस में भी हो सकता है वो जो साइंस सिग्नल्स दिखा रही थी वो एक व्यक्तिगत पर्सनालिटी इशू की तरह देखा गया और उसे इग्नोर करा गया हो सकता है। वो हमें ये बताइए, पेरेंट्स हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए, 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, वो अकेली रह रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, लिव इन में रह रही है, अगर माता पिता मदद करने वाले तो आपके घर वाले ही होंगे ना, भाई बहन मम्मी तो पापा होंगे, कोई बाहर वाला आके नहीं करता है डॉक्टर। बिल्कुल, जो वो कैसे दूर रहकर कैसे पता करें? जो भी सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, जो भी केयर गिवर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली टच में रहें, पता करते रहें कि क्या चल रहा है आपकी बच्चे की जिंदगी में। अगर आपको कोई उनके सोचने समझने में, उनके बात करने के तरीके में चेंज लगे, अगर उनका सोचने के तरीके में चेंज लगे, कॉग्निटिव एबिलिटी पे सबसे ज़्यादा पहले फ़र्क पड़ता है, अगर उनका कोई बिहेवियर सेल्फ हार्म जैसा कुछ दिखे, अगर उनका बार बार रोना दिखे आपको, अकेला रहना
देखिए, कोई भी पर्सनालिटी में चेंज आए, जो वो करते आए हैं, जिन्हें उन्हें पसंद है जो चीजें करना, उसमें उनका मन ना लगना और इससे उदासी रहना। बिल्कुल बिल्कुल आप इग्नोर मत कीजिए जो डॉक्टर सहमा जो बात कह रहे हैं। राहुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर कहिए, लेकिन अपन इस वक्त हमारे दर्शकों से ये जरूर कहेंगे कि अपने बच्चों की, भले वो बड़े हो गए हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो कमा रहे हो, वो जॉब कर रहे हो, आपसे घर से दूर हो, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत सुखी हैं, खुश हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, प्लीज उनका ख्याल रखिए। राहुल क्या कहना चाहते हैं आप बताइए प्लीज। देश में समस्या है, अगर माँ बाप एक सर्टन जनरेशन के होते हैं, उनको अगर कहा जाए कि डिप्रेशन है तो बोलते यार बुखार थोड़ी ना, खांसी थोड़ी ना, लोग इस बात को सीरियसली लेते नहीं है। कई लोग डिप्रेस है, कई बताते नहीं, तो खुल के आना। और जो माँ बाप सुन रहे हैं अभी अपने बच्चों के लिए कि डिप्रेशन है, ज्यादा सर्दी खांसी टीबी ये सबसे बड़ा है, इसको आप हल्की मत लीजिए। अरे डिप्रेशन तो क्या हुआ, कोई बीमारी थोड़ी है, बुखार थोड़ी है, ये बहुत बड़ी समस्या दुनिया भर में है डिप्रेशन की। तो इसकी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुझे भी डिप्रेशन था, मैंने इलाज कराया, सही समय पर डिप्रेशन का इलाज कराना और उसको बिल्कुल हल्के में लेना, ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार आदमी ज्यादा खाता है, कम खाता है, एक्सेसिव स्लीप करना, कम स्लीप करना, कोई भी एक्सट्रीमिस चीजें होती है लाइफ में, तो उसको ऑब्जर्व किया जाए। और लोग, बहुत लोग डिनायल में होते हैं कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, कि लोग समझते डिप्रेस मतलब पागलपन है, मैं क्या साइकेट्रिस्ट के जाऊंगा, मैं क्या पागल हूँ, ये जो टैबू नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन से आप सर्दी बुखार खांसी ले जाते हो, वैसे आप अपने साइकोलॉजिस्ट के बाद दोस्तों से बात कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, पर कोई अगर कह रहा है कि वो डिप्रेस है उसको दबाइए मत। अरे क्या होता है, ठीक कह रहे हैं आप, खाना खा लो, मस्ती करो, लेकिन लेकिन राहुल यहाँ पर सवाल तो ये है कि बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अब प्रत्युषा मुंबई में रहती थी, अपने परिवार से काफी दूर थी, लिव इन में रह रही थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रही है, आप लोगों से, दोस्तों से शेयर नहीं कर रही है। इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इस केस में अगर प्रत्युषा पहले ही किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लेती, जहाँ पे उसे दिख रहा था कि वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रही है, वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रही, हो सकता कर रही हो, नहीं कर रही हो, बस साफ है कि रिलेशनशिप में तो स्ट्रगल कर रही थी, तो उसी टाइम पे हेल्प लें, हेल्प से घबराएं नहीं, एक्सपर्ट की हेल्प लेने से आपको पता चलेगा। उसने माना ही नहीं कि वो बीमार है, exactly, उसने माना ही नहीं। ये हमारे लिए एक मैसेज है, आज के यूथ के लिए एक मैसेज है, हम सबके लिए एक मैसेज है कि अगर हम प्रॉब्लम फेस करें, जैसे हम खांसी जुकाम, जैसे कि राहुल ने कहा कि जैसे हम खांसी जुकाम को ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से मानसिकता को भी उसी तरीके से डील करें, मानसिक रोग को भी उसी तरीके से डील करें। अगर आपको उदासी लग रही है, अगर आप किसी चैलेंज को नहीं डील कर पा रहे हैं, आप नहीं कोप कर पा रहे हैं, प्लीज सीक हेल्प, शेयर कीजिए, एटलीस्ट कम से कम बात कीजिए, जो डॉक्टर साहिबा बार बार कह रही हैं। दिगंगना, आपको लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों की भी ज्यादा है अपने दोस्तों के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, कम से कम उन्हें जुड़ें और दिल की बातें कम से कम एक दूसरे से करें ताकि आप लोगों को पता चल सके? जी जरूर, मुझे लगता है आज के समय में बात करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर कोई या तो सिर्फ व्हाट्सएप कर देता है या सिर्फ ऊपरी तौर पे हाँ कैसे हो, लंबा समय मुझे नहीं लगता है कोई खुलकर आपस में बात करता है, क्योंकि अगर आपस में बात कर रहे होते तो फिर डिप्रेशन इतना बड़ा रूप नहीं लेता कभी भी किसी की भी फैमिली में। जहां तक बच्चों की, मेरी उम्र के लोगों की बात रह गई है, पेरेंट्स से बात करना भी एक जैसे वॉल क्रिएट हो गई है। हर बच्चा, हर इंसान अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स से जाके अपने दिल की बात भी नहीं कहता है, क्योंकि कोई ये समझना ही नहीं चाहता है कि डिप्रेशन वर्ड को ही खराब माना जाता है। तो अगर आप किसी से ये कहते हो कि आप डिप्रेस्ड हो या आप बात करना चाहते हो, तो लोग आपसे दो कदम पीछे हट जाते हैं ये सोचकर कि नहीं, उसे थोड़ा सा समय दो, वो ठीक हो जाएगा अपने आप। मुझे लगता है इस बात को थोड़ा सा और गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ राहुल जरूर आएंगे आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर दिगंगना ने भी कही है कि अगर कोई अपनी परेशानी हमें बताता है, शेयर करता है, तो हम खुद उससे दूर हो जाते हैं। राहुल महाजन, दिगंगना, डॉक्टर साइमा खान, ये तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और तीनों की राय यही है कि बात कीजिए अपनों से, और अपनों की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई कुछ न कहे तो भी समझिए कि कहीं उसके बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।